आप सब, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सभी काम वाम खत्म करने के बाद मैं नहा के तैयार भी हो गई। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो यहाँ मैं गरमाऊँगी पहले अपने लिए पानी, फिर उसके बाद मैं आगे कोई काम शुरू करूँगी। और मैंने यहाँ पे जो है ये बादाम छोला और ये चने की दाल वगैरह, ये चने की दाल वगैरह जो है, और ये राजमा मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। तो आज मैं बनाऊंगी राजमा। और जो ये छोला है, ये चने में, इसी चने और दाल में वगैरह मैं एक दो सीटी लगा के उबाल लूँगी। फिर यही हम लोग, मैं और हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और ये देखिए सब चीज़ कितनी बढ़िया से फूल गई है, सब मैंने रात ही में भिगो के रख दिया था। तो पानी गर्म होने से पहले मैं चना और ये उबलने के लिए रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं राजमा उबलने के लिए रख दूंगी, जिससे जो है दिन में जब खाना बनाना होगा तो फटाफट मेरा काम हो जाएगा। तो जो है कल का ब्लॉग जो है मेरा कि बहुत ही बेकार हुआ। पर कल पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मेरा मन भी नहीं कह रहा था कुछ ब्लॉगिंग करने का या कुछ भी रिकॉर्ड करने का। और कल ही मेरे फ़ोन में भी पता नहीं क्या दिक्कत हो गया कि कोई वीडियो छोटा आ रहा है, कोई वीडियो बड़ा बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम थी। तो कल का ब्लॉग अब तक का मेरा सबसे बेकार ब्लॉग बना था, तो उसके लिए बहुत सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा ब्लॉग बना सकूँ और आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर कर सकूँ। तो कल वाले ब्लॉग के लिए सॉरी आप सभी लोगों को। और चलिए तो मैं पानी वानी गर्मा लेती हूँ, फिर आगे काम शुरू करती हूँ, फिर बात करूँगी आपसे मैं। तो लाइट नहीं आ रही है, गैस पे ही गर्मा लेते हैं। राजमा देखिए रात में ही भिगो दिया था, तो कितने अच्छे से फूल चुके हैं। ये देखिए कितने आराम से जो है हल्का नाखून लगाने पे, दबाने पे ही फूट जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया से ही फूल चुके हैं। अब मैं इसको रख दूँगी उबलने के लिए। और चना तो मैंने उबाल लिया था, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, तो अब उसके बाद मैं राजमा उबलने के लिए रख दूँगी, फिर करूँगी दिन के खाने की तैयारी। यहाँ पे देखिए राजमा जो है 6-7 सीटी में कितने बढ़िया से उबल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं ये। तो अब मैं करूँगी इसके तड़के की तैयारी, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ मैंने राजमे के लिए लिया है 2 प्याज, ये थोड़े बड़े प्याज हैं 2, और एक अदरक का टुकड़ा, लहसुन मिर्चा, और लिए हैं 3 टमाटर। तो पहले मैं प्याज लहसुन मिर्चा अदरक को कटर मशीन में थोड़ा सा बारीक कटर कर लूँगी, फिर उसके बाद इसी में टमाटर को भी पीस लूँगी। मैंने राजमा को किसी दूसरे बर्तन में पलट लिया है और वही कुकर मैंने धुल के दोबारा चढ़ा दिया है। तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाल के जीरा हींग डाला है, फिर जो मैंने प्याज लहसुन मिर्चा अदरक पीसा था उसको मैंने डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा लाल होने पर फिर मैं इसमें टमाटर को डाल दूँगी। फिर टमाटर डालने के बाद नॉर्मल जो मसाले हैं वो सब मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, फिर राजमा को डाल के और उसमें जो है 2 सीटी फिर से लगा दूंगी, तो हमारे राजमा एकदम बनके तैयार हो जाएंगे। नमक मैंने राजमा उबालते समय भी डाला था, तो इस समय नमक एकदम थोड़ा सा कम डाला है मैंने, और ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है क्योंकि इससे राजमा का कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। खाना बनकर तैयार हो गया है, मैंने हस्बैंड के लिए खाना निकाल दिया, राजमा चावल रोटी और दही, और बच्चों को भी दे दूंगी। मम्मा खिला दे, खुद से खा लोगे? अले 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 मेरा गुड्डा, अले वाह सिद्धू।
मिले प्याला बेटा। अच्छा बना है मम्मा ने? अच्छा बनाया है? कैसे बनाया देखो बता दो ऐसे। सिद्धू सिद्धू अच्छा बना है कैसे? ऐसे उंगली से बता दो ऐसे। वाह थैंक यू गज्जू, थैंक यू सिद्धू। पूरा अपना अपना खाना फिनिश करना ओके। जब मैं यहाँ चाय बना रही थी तो गज्जू और सिद्धू जो है कमरे में डांस करने में बिजी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चाय वाय पीने के बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे मार्केट, क्योंकि मुझे बनवानी थी थ्रेडिंग। तो आज संडे था तो मैं सोचा अच्छा मौका है आज ही बनवा लेते हैं, फिर दोबारा जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये देखिए ये है हमारे बलिया की मार्केट। मार्केट से आ गए हैं और ये देखिए मैंने आईब्रो भी बनवा ली है। काफ़ी दिन से सोच रही थी बनवाने के लिए पर मौका ही नहीं लग पा रहा था और देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी। तो देखिए आज मैंने बनवा लिया है। मैं कहा संडे है तो आज बनवा लेते हैं, फिर दोबारा फिर ऐसे ही रह जाएगा देखते देखते। और फिर मार्केट गए और बाहर जाने पर गोलगप्पे और चाट ना खाएं ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि गोलगप्पे खाना है, तो मैंने कहा नेकी और पूछ क्यों नहीं भाई। तो फिर गोलगप्पे भी खाए और चाट भी खाए। अब हम लोग आ गए हैं घर पे। तो चलिए आज के ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। और मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और तुमने बिंदी लगाई है मम्मा की? हाँ। वाह सिद्धू तुम कितनी प्यारी लग रही हो। और कुछ बोलना है? क्या बोलना है? नहीं सुनो मेरी बात सुनो सिद्धू, और कुछ बोलना है आपको?